dear children. I wish you and your whole family members are fine. So, myself, Amin Mehta, from Saraswati Group of Education, I am your math teacher. We are learning our chapter 1, that is number up to 20. This is our part 4. In our previous lecture, we have learned about number 10. We have learned that we have to make a group of 10. Either it's a candy stick, or it's a bunch of flour, or it's a group of ones. किसी भी 10 चीज का पूरा एक बंडल बना लेते हैं और उसको हम बोलते हैं 1-10. फिर उसके आगे हमने सीखा था कि कैसे उस 1-10 को यूज करके हम लोग नंबर 11 से लेके नंबर 20 तक रिप्रेजेंट करते हैं. We have also learned number 10s of number 11 to 20, right? मैं ये आशा रखती हूँ कि मैंने आपको आगे जो कुछ पढ़ाया है उसके रिगार्डिंग सारी वर्कशीट्स आपने कंप्लीट की ही होगी, क्योंकि जब तक आप वो सारी वर्कशीट कंप्लीट नहीं करेंगे, हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे. तो पेरेंट्स, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट योर चाइल्ड टू कंप्लीट हिज और हर पेंडिंग वर्क, होमवर्क, राइट? Then and then only he is able to understand new concept. Okay? So, आज हम पढ़ने वाले हैं forward number and backward number. What is forward number? कोई बता सकता है मुझे? हम लोग किसी भी जगह पे, जैसे कि ground floor पे खड़े हैं और हमें top floor पे चढ़ना है या first floor पे हमें चढ़ना है, तो हम क्या करेंगे? एक के बाद एक steps चढ़ते जाएंगे, राइट? फॉरवर्ड नंबर में भी वही होता है. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड वी आर एडिंग वन नंबर इन इट एंड वी आर मूविंग अहेड, दैट इज फॉरवर्ड नंबर. ठीक है? जब हम प्रेप सेक्शन में थे तब हम लोग काउंटिंग करते ही थे, वी ऑल नो. सो टुडे वी आर डूइंग दैट फॉरवर्ड काउंटिंग. आप सबको मेरे साथ फॉरवर्ड काउंटिंग करना है. ओके, मैं यहां से स्टार्ट करती हूं एंड अज्यूमिंग दैट आई एम क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अगेन यहां से एक साथ ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए मैं यहां से स्टार्ट करती हूं. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. What we are doing? We are moving forward. If I am adding 1 in number 1, then I will come to number 2. नंबर 2 में अगर मैं एक ऐड करती हूँ, देन आई विल कम टू नंबर 3 एंड सो ऑन, राइट? 10 के बाद अगर मैं उसमें एक नंबर ऐड करती हूँ, देन आई विल कम टू नंबर 11, 12. गॉट दिस? ओके, लेट अस काउंट टुगेदर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Forward counting हम सबको आता है, right? Now, what is backward counting? Backward, नीचे उतरना. आप staircase के first floor पे हो. You have to come down. एक एक step आप नीचे उतर रहे हो एंड अगेन यू विल कम टू ग्राउंड फ्लोर. ओके, बैकवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड पीछे आना. सो बैकवर्ड काउंटिंग कौन सा नंबर से स्टार्ट होगा? टॉप नंबर, लास्ट नंबर, वो स्टार्ट होगा 20 से. 20 में से एक स्टेप में नीचे उतरूंगी. आई एम
deducting or I am reducing number 1 from 20. So 20 में से अगर एक स्टेप मैं नीचे उतरती हूँ तो then I will come to number 19. उससे एक स्टेप कम करती हूँ then I come to number 18. उससे एक स्टेप कम करती हूँ then I come to number 17. Then 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. 10 से अगर एक स्टेप नीचे आती हूँ तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. So backward counting को कैसे represent करेंगे हम? Top to bottom, top to bottom, right? So let us count backward number and again you have to count with me, right? So let's start. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ये all of sudden आप नहीं कर पाएंगे. You have to do it with patience. धीरे धीरे patience के साथ with practice you can easily count backward also. Okay, it's actually a mind exercise. You can increase capabilities of your mind. Try to count 1 to 100 in forward and then try to count 100 to 1 in a backward. So, aapka concentration bhi badhega isse. Okay, got it? So, yahi hamara topic hai, forward numbers and backward number. Dekh lete hai, textbook mein kaise diya hai. अगर आपको कभी एग्जाम में पूछ लिया कि फॉरवर्ड काउंटिंग करो या बैकवर्ड काउंटिंग करो आप कैसे करेंगे, विल सी राइट नाउ. ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड यू हैव टू स्टार्ट काउंटिंग फॉरवर्ड विद नंबर 3. इन बिटवीन दे हैव गिवन यू नंबर 11, राइट? सो यू हैव टू चेक. ये क्या है, आपका एक चेक मार्क है, आपको पता चल जाएगा whether you are going on correct path or not. Okay, so let us start. 3 ke baad 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. So according to me, we are going on correct path. Yahan pe hume diya gaya hai that we have to start our counting from number 3. So let us start together. फॉरवर्ड काउंटिंग करना है सो 3 के बाद आएगा 4. इफ आई एम एडिंग वन मोर नंबर इन 4 देन आई विल गेट नंबर 5 देन नंबर 6 7 8 9 एंड 10. उसके बाद दे हैव गिवन अस दैट इट्स नंबर 11. इन बिटवीन कुछ नंबर दिए होते हैं कभी कभार एंड कभी कभार कुछ नहीं भी दिया होता है, राइट? सो यू हैव टू चेक अकॉर्डिंगली. 11 के बाद आता है नंबर 12 एंड आफ्टर दैट नंबर 13. सो यू हैव टू राइट टिल नंबर 13. गॉट इट? सेम वे वी स्टार्ट विथ बैकवर्ड काउंटिंग. फॉरवर्ड काउंटिंग कैसे होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन. सीधा आगे बढ़ते हैं. बैकवर्ड काउंटिंग राइट टू लेफ्ट. ये कौन सा है हमारा बैकवर्ड काउंटिंग और ये कौन सा है हमारा फॉरवर्ड काउंटिंग, राइट? अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ बैकवर्ड काउंटिंग का. बैकवर्ड काउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है? As you can see, this is a question of solve the problem of backward counting. Backward counting कहाँ से स्टार्ट करते हैं? Right to left. Backward counting की डायरेक्शन कौन सी होती है? Right to left. So you have to start with
नंबर 20. 20 से पहले कौन सा नंबर आता है? इट्स नंबर 19. इफ यू आर सेपरेटिंग वन मोर नंबर फ्रॉम 19, देन यू विल गेट नंबर 18, देन 17, 16, 15, 14, 13 दिया हुआ है, तो 13 के बाद आता है नंबर 12 और उसके बाद उसके पहले आता है नंबर 11. Got this? After learning forward number and backward number, we are moving towards our new topic, that is number on abacus. Abacus, किसी को पता है क्या होता है? जब आप अपने प्रेप सेक्शन में थे तब काउंटिंग के लिए आपने वो यूज किया होगा. नंबर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे जो रोड होता है उसके ऊपर उस नंबर के अकॉर्डिंग बिट्स लगे हुए होते हैं. नंबर वन के लिए किसी एक कलर का वन बिट, देन नंबर टू के लिए किसी और कलर के दो बिट्स, देन फॉर नंबर थ्री किसी और कलर के तीन बिट्स, ऐसे टिल नंबर 10 तक आपने देखा ही होगा. यहाँ पे इन हायर ग्रेड वी आर लर्निंग हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर ऑन एबेकस, बट विच काइंड ऑफ नंबर? इट्स अ टू डिजिट नंबर. बेसिकली नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एबेकस का यूज करते हैं. उसका जो ये रोड होता है उसको हम स्पाइक बोलते हैं और हर एक स्पाइक में मैक्सिमम 9 वंस ही आते हैं. मैक्सिमम 9 नंबर्स ही आते हैं. अगर वो वंस का स्पाइक है तो मैक्सिमम 9 वंस आएंगे. अगर वो 10 का स्पाइक है तो मैक्सिमम 9-10 तक ही नंबर्स यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे हम नंबर में क्या करते थे, राइट हैंड साइड जो होता है वहां पे वंस और लेफ्ट हैंड साइड पे टेंस लिखते थे, वैसे ही एबेकस में जो रोड राइट हैंड साइड पे होता है उसको हम वंस का रोड और जो रोड लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसको हम टेंस का रोड बोलते हैं. सेम वे राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड. फिर किसी भी नंबर को फिजिकली अगर हमारे पास एबेकस होता है तो हम रोड में बिट्स लगा के उसको रिप्रेजेंट करते हैं. वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर हैविंग फिजिकल एबेकस, तो हम क्या करेंगे, रोड के ऊपर उतने बिट्स या उतने सर्कल ड्रॉ करके नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे करते हैं चलो देखते हैं. कौन सा नंबर लूंगा सबसे पहले? ओके, लेट्स टेक नंबर 14. तो मैं क्या करूंगी, राइट हैंड साइड वाली प्लेस के ऊपर वंस लिख लूंगी और लेफ्ट हैंड साइड पे टेंस. अब वंस की प्लेस में मेरे पास कौन सा नंबर है? नंबर 4. तो मैं यहां वंस की प्लेस पे चार सर्कल ड्रॉ करूंगी, 1, 2, 3 एंड 4. और टेंस की प्लेस पे मेरे पास कौन सा नंबर है? आई हैव नंबर 1. सो मैं यहाँ पे 1 सर्कल ड्रॉ करूंगी. तो नंबर 14 को एबेकस पे रिप्रेजेंट करने का अगर बोला जाए तो कैसे करना है, लाइक दिस. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. लेट मी टेक नंबर 17. ठीक है, सो वंस प्लेस ऑन राइट हैंड साइड, टेंस प्लेस ऑन लेफ्ट हैंड साइड. टू रिप्रेजेंट नंबर 7, वेयर आई हैव टू रिप्रेजेंट नंबर 7 ऑन वंस रोड और ऑन वंस स्पाइक, हाउ मेनी सर्कल आई नीड टू ड्रॉ? आई नीड टू ड्रॉ 7 सर्कल्स, राइट? सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And on tens place there is only number 1. So I represent number 1 with 1 circle. Got this? कैसे represent करते हैं? अगर number 19 हुआ तो 2 more bits like this. Okay? Now if I ask that can you tell me which number is this? Then what you have to do?
you have to count number of bits on one side and you have to write it on ones place and you have to count number of bits on tens row and you have to write it on tens column. अगर ये आपको दिया गया है और अगर मैं पूछता है कि ये कौन सा नंबर है तो आप कैसे कहोगे उसको, क्या करोगे? वंस की प्लेस पे जो बिट्स है पहले उसको काउंट करो. लेट अस काउंट टुगेदर, इट्स 1 2 3 4 5 एंड 6. तो वंस की प्लेस पे 6 बिट्स है तो मैं क्या करूंगी, वंस की प्लेस पे यहाँ पे मैं लिख दूंगी 6. टेंस की प्लेस पे एक ही बिट है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 1. तो कोई पूछेगा कि ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है तो यू कैन इजीली राइट इट डाउन लाइक दिस कि ये वाला एबेकस है वो नंबर 16 रिप्रेजेंट करता है. सेम वे ये नंबर, सॉरी, सेम वे ये एबेकस कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है कैसे कहोगे आप? सबसे पहले क्या करोगे, यू हैव टू राइट टेंस एंड वंस. नाउ स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम वंस रोल, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. सो ऑन वंस प्लेस यू हैव टू राइट नंबर 9. टेंस की प्लेस पे एक भी बिट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? 0 मींस नथिंग. तो हमारा नंबर कौन सा हुआ? नंबर 9. तो ये नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है और ये नंबर 16 को. समझ में आया? लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. ओके, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट अ नंबर एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट नंबर 13 ऑन दिस एबेकस. तो आप क्या करोगे, नंबर 13 वंस एंड टेंस क्या करोगे, स्पाइक पे रिप्रेजेंट करोगे. सो एट वंस प्लेस यू आर हैविंग 3 वंस, सो यू नीड टू ड्रॉ 3 सर्कल्स ऑन वन स्पाइक, राइट? एंड एट टेंथ प्लेस यू आर हैविंग 1 सर्कल, सो यू नीड टू ड्रॉ 1 ऑन टेंथ प्लेस. सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट 2 डिजिट नंबर ऑन एबेकस. नाउ इफ आई से दैट व्हिच नंबर इज दिस, आइडेंटिफाई. सो व्हाट यू विल डू, यू विल फर्स्ट राइट टेंस एंड वंस, देन काउंट नंबर ऑफ बिट्स एट वंस प्लेस, इट्स 1 2 3 4 एंड 5. सो यू नीड टू राइट 5 ओवर हियर एंड एट वंस प्लेस यू आर हैविंग बिट नंबर 1. सो दिस एबेकस इज रिप्रेजेंटिंग नंबर 15. गॉट दिस? अगर आपको एबेकस पे बिट्स दिए गए हैं तो उसके ऊपर से आप नंबर लिख सकते हो और अगर आपको नंबर दिया गया है तो वो एबेकस पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी आपने देखा. तो आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज दी गई हुई है पेज नंबर 7 पे, वहां पे ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं. यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. सेम वे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग पेज नंबर 7 पे आपको दिया गया हुआ है. यहाँ पे कैन यू सी दिस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग, वो भी आपको कंप्लीट करना है और यहाँ पे दोनों टाइप के एबेकस के क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी आपको कंप्लीट करना है, राइट? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन. बिफोर आफ्टर और बिटवीन को समझने के लिए है मेरे यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं. अगर मैं आपको पूछूं कि सर्कल के आगे क्या है, कुछ है सर्कल के आगे? नथिंग. सर्कल के आगे कुछ भी नहीं है. बट इफ आई आस्क व्हाट इज बिफोर ट्राइंगल, ट्राइंगल के पहले क्या ड्रॉ किया हुआ है? सर्कल. सो माय सर्कल इज बिफोर ट्राइंगल, राइट? सो आगे मीन्स बिफोर. सेम वे इफ आई आस्क कि व्हाट इज आफ्टर सर्कल, सर्कल के पीछे क्या है?
There is a triangle after circle. What is after triangle? After triangle, I am having square. So, square is after triangle. Right? After means piche. Before means आगे. तो from this picture वो समझ में आ रहा है कि जो स्क्वायर है वो ट्राइंगल के पीछे है और जो सर्कल है वो ट्राइंगल के आगे है. हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं. तो अब सर्कल और स्क्वायर के बीच में क्या है? देयर इज ट्राइंगल, राइट? ट्राइंगल है वो सर्कल और स्क्वायर के बीच में है. तो उसको क्या बोलेंगे? इन बिटवीन. सो ट्राइंगल इज in between of circle and square. सिंपल सी टर्म है, हम लोगों ने कई बार सुना है. बिफोर मीन्स आगे, आफ्टर मीन्स पीछे, और बिटवीन मीन्स किसी भी दो के बीच में. ठीक है, सेम वे हम नंबर्स में भी यूज करने वाले हैं यही कंसेप्ट. दैट इज व्हाई आई हैव एक्सप्लेन यू बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन. गॉट दिस? बिफोर मींस आगे, सर्कल इज बिफोर ट्राइंगल, ट्राइंगल इज बिफोर द स्क्वायर, आफ्टर मींस पीछे. सर्कल के पीछे ट्राइंगल है और ट्राइंगल के पीछे स्क्वायर है, और स्क्वायर और सर्कल के बीच में जो है वो ट्राइंगल है, इन बिटवीन. ओके, दिस इज अ नंबर लाइन. नंबर लाइन किसी भी नंबर को सही क्रम में, करेक्ट ऑर्डर में रिप्रेजेंट करता है. नंबर लाइन पे हम मुंह कैसे होते हैं? ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज अ नंबर लाइन. नंबर लाइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम में नंबर को रिप्रेजेंट करता है. जैसे वन के बाद टू आता है, उसके बाद थ्री आता है, फोर आता है उसके बाद, तो उसी क्रम में वो रिप्रेजेंट करता है. और नंबर लाइन पे हम मुंह कैसे करते हैं? क्योंकि जीरो से स्टार्ट होके एक्सट्रीमली लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट की टुवर्ड्स हम मुंह करते हैं. जीरो, उसके बाद वन, फिर टू. सो वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन नंबर लाइन. अभी रिसेंटली हमने ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर की मदद से बिफोर, आफ्टर और इन बिटवीन देखा, राइट? तो वही थी हम नंबर लाइन पे देखते हैं. लेट्स डू इट टुगेदर. ओके, लेट मी सेलेक्ट नंबर 10. अगर मैं नंबर 10 सेलेक्ट करती हूँ फ्रॉम दिस नंबर लाइन, देन कैन यू टेल मी विच नंबर कम्स बिफोर नंबर 10? Yes, you are right. It's number 9. So from number 9, we can say that before 10 is number 9, right? And which number comes after 10? अगर आप नंबर लाइन देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा दैट आफ्टर 10 वी आर हैविंग नंबर 11. सो आफ्टर नंबर 10 इज नंबर 11, राइट? इफ आई आस्क दैट व्हिच नंबर कम्स बिटवीन नंबर 2 एंड नंबर 4, so from number line you can easily say that number 3 comes between 2 and 4. Got this? If I ask that which number comes before number 2, then you can say that it's
number 1. Which number comes before number 18? It's number 17. इसलिए आपको पता चल जाएगा कोई भी नंबर लो और उसके आगे का नंबर दैट इज बिफोर नंबर नंबर 12 तो उसके आगे कौन सा नंबर आता है 12 से पहले दैट इज 11 सो बिफोर नंबर 12 इज नंबर 11 नंबर 7 बिफोर नंबर 7 इज नंबर 6 गॉट दिस सो हियर इफ आई आस्क And you have to give me answer, okay? Which number comes before number 15? Before number 15. So number 15 से पहले, उसके आगे. तो उसके आगे number 9 पे कौन सा number है? It's number 14. Which number comes before number 6? 6 से पहले, 6 से आगे. तो 6 से आगे कौन सा number है? It's number 5. Got this? Same way. After number. After number means पीछे उसके बाद कौन सा नंबर आता है That is known as after number. So if here I am writing number 19 and one more number, say number 7. After तो मैं बाद में draw करूंगी line. So from this number line, observe number line carefully and give me answer. Then after counting which number comes 19 के बाद 19 के पीछे कौन सा नंबर है इट्स नंबर 20 सेम वे व्हिच नंबर कम्स आफ्टर नंबर 7 इट्स नंबर 8 गॉट दिस समझ में आ रहा है व्हिच नंबर कम्स आफ्टर नंबर 4 4 के बाद नंबर 5 12 के बाद नंबर 13 सो ऑल दीस आर आफ्टर नंबर्स बाद मीन्स उसके पीछे हम मुंह कैसे करेंगे लेफ्ट से राइट तो जो भी नंबर है आफ्टर बोलेंगे तो उसके बाद का राइट हैंड साइड वाला बिफोर बोलेंगे तो उससे पहले का लेफ्ट हैंड साइड वाला ठीक है और अब है बिटवीन जैसे मैंने बोला कि नंबर 2 और 4 के बीच में नंबर 3 है सेम वे नंबर 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आएगा दोनों के बीच में नंबर 4 देन 5 और 7 के बीच में नंबर 6 राइट 11 और 13 के बीच में नंबर 12 तो यहां पे मैं लिख रही हूं आपको नंबर लाइन देख के बताना है So, 18 और 20 उसके बीच में कौन सा नंबर है इट्स नंबर 19 सो यू हैव टू राइट नंबर 19 ओवर हियर सेम वे नंबर 9 एंड नंबर 11 उसके बीच में कौन सा नंबर है इट्स नंबर 10 सो यू हैव टू राइट नंबर 10 सेम वे नंबर 1 एंड नंबर 3 उसके बीच में कौन सा नंबर है इट्स नंबर 2 लाइक दिस ओके ये आपको समझ में आ रहा है बिफोर मींस पहले आफ्टर मींस बाद में और बिटवीन मींस दो नंबर के बीच में तो यही एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है ऑन पेज नंबर 8 नंबर लाइन ड्रॉ की गई है और पहला है आफ्टर नंबर कौन सा नंबर आफ्टर नंबर है वो आपको लिखना है Then second question is which number is before number and third question is which number comes in between. जो हमने यहाँ पे किया वही है. So in today's lecture we have learned count forward and count backward. आपको क्या करना है? Mentally आपको forward and backward counting fast करने की practice करनी है. क्योंकि हर बार आपको बिफोर आफ्टर और बिटवीन के लिए नंबर लाइन नहीं दी जाएगी सो मेंटली यू हैव टू थिंक जब आप रिवर्स काउंटिंग सीखोगे तभी आपके लिए बिफोर नंबर इजी होगा फॉरवर्ड काउंटिंग तो हम सबको आती ही है
फॉरवर्ड काउंटिंग के साथ वी कैन इजीली गिव आंसर्स विदाउट नंबर लाइन आल्सो कि कौन सा नंबर आफ्टर नंबर है, कौन सा इन बिटवीन नंबर है. लेकिन अगर आपको बैकवर्ड काउंटिंग अच्छे से आती है तो बिफोर नंबर आपके लिए इजी हो जाएगा. सो इन टुडेज टॉपिक वी हैव लर्न बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर ऑन एबेकस, देन आफ्टर, बिफोर एंड इन बिटवीन, विदाउट नंबर लाइन एंड विथ नंबर लाइन. एंड रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक्स आई हैव डिजाइन अ वर्कशीट फॉर यू, दैट इज वर्कशीट नंबर 4. वर्कशीट 4 आपको आपकी क्लास वर्क बुक में करनी है और टेक्स्ट बुक का पेज 7 और पेज 8 दोनों में जो एक्सरसाइज दी गई है वो आपको कंप्लीट करनी है. तो प्लीज ट्राई टू कंप्लीट टुडेज वर्क टुडे इटसेल्फ ओनली. ओके, सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. बाय माय डियर किड्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.